बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, 8 फरवरी बरोज़े जुमेरात हम पूरी पाकिस्तानी कौम को एक मौका मिल रहा है कि वो आने वाली हुकूमत को अपने वोट की ताकत के जरिए से बना सकें। 9 अप्रैल 2022 को की रात आप सबने देखा जो तमाशा लगा, और उसके बाद जो पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकली, उसने इमरान खान साहब और मुझ जैसे बहुत से लोगों के हौसले बुलंद किए। तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं, जुल्म का बाजार गर्म है, केसेस पे केसेस बनाए गए, हमारी माओ, बहनों, बच्चियों, नौजवानों, बुजुर्गों को हजारों की तादाद में कैद किया हुआ है। इमरान खान साहब पे 200 से ज्यादा केसेस हैं। मुझ जैसे बहुत से लोग आज तक इमरान खान से वफादारी के लिए रुपोश हुए हुए हैं। हमारे आपने देखा, हमारा इंतखाबी निशान बल्ले को भी अदालत ने ले लिया। उसके बाद अब सजाएं सुनाई जा रही हैं झूठे मुकदमात में इमरान खान साहब के खिलाफ, के लोग जो हैं वो डर जाएं। मैं पूरी कौम को सलाम पेश करता हूं, जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा पाकिस्तानी कौम पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। जुल्म है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उठा रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स को, कंपेन नहीं करने दे रहे। नौजवानों देखें, ये डरे हुए हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये आपसे डरते हैं, इन्हें पता है कि अवाम बाशऊर हो चुकी है। तो मेरी पूरी पाकिस्तानी बाशऊर कौम से ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त मैं आपसे करता हूं कि आपने जो है वो 8 फरवरी के दिन बाहर निकलना है। खसूसन नौजवान आपने अपनी माओ, बहनों, बच्चियों, बुजुर्गों, रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों को बाहर निकालना है। आपने पैरा देना है पोलिंग स्टेशन के बाहर। जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपने डट के अंदर रहना है, आपने पुरअमन रहना है, और आपने फॉर्म 45 दस्तखत शुदा लेके आना है। मैं तमाम कैंडिडेट्स को ये कहूंगा कि आपने फॉर्म 45 दस्तखत शुदा कलेक्ट करके आरओ के दफ्तर के बाहर जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता आपने पैरा देना है। पाकिस्तानियों, इस जुल्म का बदला हम जो है वो वोट की ताकत से ले सकते हैं। इमरान खान साहब ने, आप सबको पता है कि किस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन उनके खिलाफ किया गया, लंदन प्लान बनाया गया उनको सियासत से दूर रखने के लिए, इसलिए कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी, इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, अपने लोगों के लिए जो है उनकी इज्जत नफ्स पे हरफ ना आए उसके लिए बात की, अपनी सरजमीन अपने हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल ना करने के लिए एब्सोल्युटली नॉट बोला। आपने उनका साथ देना है इस मुश्किल वक्त में, अपने मुल्क को बचाना है और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर बेखौफ होके आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और वोट की ताकत से इस जुल्म का बदला लेना है। बहुत शुक्रिया।